हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमो एरो वर्जन। जहाँ पर दोस्तों पिछली बार हमने दोस्तों शिवपति के दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोर किया था एंड बिफोर दैट गाइस यहाँ पर हमने एक और रिको से दोस्तों मुलाकात भी की थी। तो गाइस यार यहाँ पर हमने दोस्तों ट्रेनर के साथ बैटल भी किया एंड देन गाइस यार हमने रूट पोटिंग के दोस्तों यहाँ पर म्यूजियम भी दोस्तों एक्सप्लोर किया। तो चलो गाइस यार आज हम जाने वाले दोस्तों शिमला में। तो क्योंकि गाइस यार एक और रिको दोस्तों कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रिको शायद मिस हो चुका है। नहीं यार एको यार रिको ओके तो गाइस यार कोई तो मिस हो गया, मुझे नाम याद नहीं है, शायद एको ही मिस हुआ है। तो गाइस यार यहाँ पर मुझे उसे ढूंढने जाना होगा शिमला में। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में ही दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया था श्रीपति को, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए जगह बची है। तो चलिए गाइस यार यहाँ पर अभी हम सीधा चलते हैं शिमला में। ओके यहाँ पर ये दोनों आ गई। केईचेन। ओके तो इसका नाम केईचेन है केता का। केता, where are you? Come out. Don't hide. Through, let's move towards the viewing point here. Through, we go. You see the table area. ओके तो चलो गाइस यार यहाँ पर हम भी चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक केता को हमने ढूंढना है, एक और रिको तो यहीं पर है। तो गाइस यार हमें केता को ढूंढना है। केईचेन उसका असली में नाम है बट केता कहते हैं यार। क्या इन तीनों का ना कुछ लकड़ा चालू रहता है, मुझे कुछ नहीं पता ऐसे ही रहता है गाइस यार, क्या कर रहे हैं ये इन दोनों का तीनों का। तो चलो हम सीधा उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं एंड गाइस यार शिमला दोस्तों अच्छी खासी जगह है, यहाँ पर हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टेंपल व्यू पॉइंट जो है वो यहाँ का यहाँ से आता है। तो चलिए यहाँ से हम दोस्तों चले जाते हैं सीधा ऊपर की तरफ। ओके तो यहाँ पर कोई भी मुझे लगता नहीं है पोकेमोन्स अपीयर होंगे। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कोई भी, यहाँ पर सीधा मुझे यहाँ पर एक्वेरियम का यहाँ पर केता को ढूंढने के लिए चले जाना चाहिए। ओके ये रहा टेंपल जो कि है वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हम यहाँ पर टेम्पल को विजिट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस यार यहाँ पर हमें टेम्पल को जो है वो विजिट कर लिया है। आशीर्वाद भी ले लिया दोस्तों, मतलब कि पैर भी पढ़ लिए हैं हमने। तो के भी ऑप्टेड द ग्रेट वॉल। तो चलिए गाइस यार यहाँ से अभी हम चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। तो गाइस यार मुझे लगता है कि ओके तो ये रहे यार ये रहा किता। किता यू गॉट द मार्क्स जस्ट फॉर मी, इट्स नॉट आई फेल टेलिंग यू द आंसर बिकॉज आई वाज द इन्विजिलेटर but it will be partially but still I know that you trust me as a Pokemon teacher. Thanks for the precious moment. No I also didn't do that unacceptable because I also think a little bit. Really Kita, so glad to hear, but now you shall be aware of your sister attack and bring yourself to me. I know you can also think I'm a good teacher, don't hesitate in front of me. You are the first person whose my mind is completely set. ये लोग क्या कर रहे गाइस यार? Kitchen, what the hell are you doing here? You should be waiting for us. And who is this person you have been talking to? What are you doing here, Acorn Rico? Why you know this, Kita? I think you made a mistake coming here. We decided to come together, Kita. And you are now cheating us. Who knows everything? We also have witnessed you. Are you caught? Who is this? Isn't that the Sensei? You could remember, Yuzuki ma'am. What the hell are you doing here with a person who is not in your student? Echo, Rico, calm down, he's my student and you three as well. Kita is your brother. So, he is my student indeed. And you are telling Kitchen is cheating. It's you two who are cheating him. He is. Same of your idiot sensei, you are acting to be a teacher. And I know your motive. And you are cheating him as well, stupid old lady. You can see, Rico, stop it. I didn't cheat him. Kita, it's your time to tell your teacher who I am, not just a 23 years old history teacher. Calm down. You decide, bro. What first shall we do? यार ये क्या कर रहे यार, वो हमें शायद लगता है कि कुछ अभी होने नहीं चाहिए। We need to see the film more better in us. Okay, तो यार इन लोगों को क्या चल रहा है ना, इन लोगों को ही पता गाइस यार। But we should fun EGPP as well. Shut up. I still remember that you are doing a cosplay house in Akibara as well. The one in a panda, the objectional. Wait, Kita, we have to save you. As you are a younger brother, but still you cheated as a. You know what we feel? I lost. Please will help us. Okay guys, yaar, yahan par hume lagta hai ki kuch bhi yahan par okay, to yahan par hume EGPP ke saath dosto battle karna hoga. तो गाइस यार ये जो चीज है ना, मतलब ये हाथ से अभी ज्यादा हो चुकी है। ये लोग का दोस्तों क्या चल रहा है ना, इन लोग को ही पता गाइस यार। ओके तो एक नेक्स्ट अप है ब्यूटी फ्लाई, हम लेके आ जाते हैं अपने भोलू को। काफी ज्यादा दोस्तों दिन के बाद मैं अपने भोलू को निकाल रहा हूँ
तो गाइस यार यहाँ पर इन्फर्नो दे देते हैं। ओके तो बोलू यार, ओके यार ये बोलो मेरे ख्याल था, और ये लोग फिर से डाल देते हैं उसको यहाँ पर वॉल बिल्ड करके। तो चलो हमने ब्यूटीफुल को भी डाउन कर लिया एंड दैट्स इट गाइस यार। ओके नहीं, अब तक दैट्स इट नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अभी भी करली आ रही है। तो करलिया के खिलाफ ना मैं गाइस यार यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन स्विच नहीं करता, तो करंज देकर यहाँ पर कर लिया को भी जो है वो डाउन कर देते, क्योंकि वह साइकिल टाइप पोकेमॉन को तो ज़्यादा डाउन डैमेज पहुँचेगा उसको। तो चलो हमें हरा दिया है लिक्विजी को। Hey, let me explain how. She's my teacher. She's very good at the grooming Pokemon. So she just helping me learn those things. I did not even know that is your sensei. You have to write to do anything with me. Kei-chan, sorry. Okay, तो ये लोग तो जा रहे हैं। Bye, Kita. I will meet you again. Love you. यार ये मतलब कि युक्ति का दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा यार, हम इधर बैठे हम इतने दूर से बड़े जैसे वो तो कहता तो अब तो छोटा है यार, वो तो हम तो बड़े यार, हमसे बात करना तू, ये बच्चे के साथ बच्चे से कैसे बात कर रही है। तो चलो राजा रेलवे स्टेशन ने हमें सॉरी कह दिया है, कोई बात नहीं यार, हमारे साथ कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो कैसा यहाँ पर हमने एक मिल चुका है एक एरिक और नाइट, पता नहीं यार ये कौन सा पोकेमोन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो कैसा यहाँ पर मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने शिमला को जो है वो पहले से ही एक्सप्लोर कर लिया है। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करनी बाकी है। तो चलो कैसा यहाँ पर हमें एरिगोन नाइट जो है वो यहाँ पर मेगा स्टोन से यहाँ पर इवॉल्व होगा। एरिगोन कौन सा पोकेमोन है, शायद वो वही पोकेमोन होगा जो साइकिक टाइप पोकेमोन जो मेगा का एक्सप्लिकेशन होगा ना वही होगा वो एरिगोन। बट मुझे लगता नहीं कि मैं उसका यहाँ पर उसे पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मुझे अभी साइकिक टाइप पोकेमोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक अच्छे ड्रैगन टाइप पोकेमोन की ज़रूरत है। देखते क्या यार अगर मिल सका तो मैं ड्रैगन टाइप पोकेमोन ही पकड़ूंगा, नहीं यार मुझे बैटल हॉल में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि उनके आएंगे 50 लेवल के पोकेमोन, मेरे 40 लेवल के पोकेमोन उनके सामने क्या ही टिकने वाले हैं। तो चलो कहीं सर मुझे लगता है कि हमने शिमला को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लोर कर लिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का वो जो है वो आ चुका है दोस्तों। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों बात कर लेते हैं एंड देन गाइस हम श्रीपति को जो भी है यहाँ पर लीव करेंगे। यस गाइस आज मतलब कि आज अपना लास्ट एपिसोड है इस संडे का, एंड गाइस हैप्पी संडे टू यू ऑल्सो। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी शायद बोलना भूल गया, क्योंकि वीडियो सुबह ही आ रही है 10:30 बजे नहीं माफ करना 3:30 बजे, क्योंकि सुबह ही आप पोकेमोन ब्लैक का एपिसोड जो है वो देख चुके थे, इसलिए गाइस आप जल्दी आए यहाँ पर पोकेमोन एरो का एपिसोड देखने के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच। बट अब यहाँ पर अब आप वीडियो लीव कर रहे हो तो यार अभी भी बाकी है, एंड गाइस लाइक बिना लाइक करे तो वीडियो लीव मत ही करो। तो चलो गाइस यहाँ पर ना अभी हम सीधा चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ, नीचे की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। तो चलिए एंड गाइस सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इन टुडेज वीडियो। तो चलिए गाइस यहाँ पर अभी हम सीधा ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में से चले जाते हैं दोस्तों श्रीपति को लीव करने के लिए। ओके तो अभी कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ से। ओके तो ऊपर की तरफ एक बैटल है तो उसे मैं टर्न करके आपसे फिर से मिलता हूँ। ओके गाइस यहाँ पर हमने फर्स्ट बैटल भी जो है कंप्लीट कर लिया है यहाँ से रूट का। तो चलो गाइस यहाँ से हमें जाना है दोस्तों सीधा बैंगलोर सिटी के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी हमारा बैटल जो है यानी कि राजू जो है लेवल 39 पर जा चुका है। तो चलो यहाँ से अभी एक और मुझे बैटल नजर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से अभी मुझे लगता है कि वो बैटल भी मुझे कंप्लीट करके आना होगा। तो एंड गाइस यहाँ पर मुझे सुपर रेफल भी एक्टिवेट करना होगा। तो चलो गाइस यहाँ बैक रेडर विद द बैटल।
ओके यार, यहाँ पर बैटर भी कम्प्लीट जो हो चुका है, तो चलिए यहाँ से दोस्तों चलते हैं सीधा आगे की तरफ। तो चलो गाइस यहाँ पर हम दोस्तों चलते हैं सीधा आगे की तरफ। तो चलिए यहाँ से दोस्तों ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सुपर रिपल जो है वो एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सुपर रिपल जो है वो एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैक्स रिपल भी पड़े, बट मैं यहाँ पर सुपर रिपल का रिपल का इस्तेमाल करता हूँ गाइस, क्योंकि मैं मैक्स रिपल ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे होते हैं और मुझे उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी होता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं यार, हमें मिल चुका है एक ड्रीम बॉल। ओके, तो पता नहीं यार ये ड्रीम बॉल से कौन सा पोकेमॉन हम कैच कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से अभी ओवर ग्राउंड मुझे काफ़ी सारा बैटल दिख रहा है, तो चलो गाइस आई विल बैक विद अनदर बैटल। ओके कैसे यहाँ पर मैटर भी कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए कैसे यहाँ से अभी हम सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ। चलिए कैसे यहाँ से अभी हम सीधे चलते हैं। ओके, तो एक बार मैं ना सुपर स्पीड से एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा खत्म हो चुका था। तो चलो यहाँ पर एक और बैटल भी है हमारे लिए। तो भी ऐसे हमारा बैटल भी कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए ऐसे चलते हैं दोस्तों आगे आगे की तरफ। तो मुझे लगता है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो ओके, एक और बैटल बचा है हमारे लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे उसे भी कम्प्लीट करके आना होगा। तो चलो कैसे यार, ओके तो एक और बैटल भी है हमारे लिए। तो चलो कहते हैं यहाँ पर बैटल भी कम्प्लीट हो चुका है। एंड कहते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि कल से जो है हमारे GTA 3 के न्यू एपिसोड जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे अपने न्यू चैनल पे। ओके, यहाँ पर रेलों का खड़ी है। तो कहते हैं यहाँ पर आपको आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो, और कहते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कहते हैं मैं आपसे मिलता हूँ सीधा पोकेमॉन एरो के अगले एपिसोड में, क्योंकि कहते हैं रेलों का खड़ी, मुझे डर लग रहा है कि वो बैटल ना कर देगी। तो कहते हैं सीधा कल ही कर देगी।